सुखवंत सिंह जी दुबली आओ जी सर सर जय जवान संयुक्त मोर्चा बहुत ही मान ते सत्कार दे योग स्टेज ते बैठे आगू साहबान पंडाल च बैठिया सत्कार योग मेरिया भैणा ते तीआं ते किसान वीरो नौजवान बच्चिओ सब तो पहला बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी हर रोज जो एक केंद्र दी मोदी सरकार वालों किसान विरोधी कानून बनाए गए ने और ये जिथे किसान दे वास्ते बहुत घातक हन किसान मारू हन उस दे नाल नाल जिन्हें भी खपतकार लोग हन जिन्हें भी वर्ग हन वो चाहे मजदूर है चाहे ट्रांसपोर्टर है चाहे मुलाजम है चाहे कोई दुकानदार है चाहे कोई रिक्शा चालक है जां कोई भी किसी भी वर्ग दे नाल वो संबंधित है बगैर आ वड्डे वड्डे माल ते जिहड़े कारपोरेट घराणे ने उहनां नूं छड्ड के ते जिहड़े इहनां कारपोरेट घराणियां दे तले चट ए राजनीतिक लोग उहनां नूं छड्ड के बाकी सारिआं वास्ते ही ये बहुत घातक ने यह तुसीं सुणदे आ रहे हो। पर मैं आप जीआं दे दर्शन करन वास्ते जो उठिआ हाँ मैं कुछ गल्लां होर तुहाडे नाल करनियां अज्ज सत्कारयोग भैणां मेरियां वीरां दे नाल इत्थे रतवाड़ा साहब तो पहुँचिया हन बहुत वड्डी संगत गिनती विच इत्थे पहुँचे हन ते जदों असीं पिछे मिले ते इहनां नाल गल्लबात होई ते इहनां ने इक्को गल कही कि असीं इहनां कानूनां दे खिलाफ रद्द कराउण लई इत्थे पहुँचे हाँ अते सानूं जो भी प्रोग्राम इत्थों जाएगा मेरी गल चल रही सी इहनां नाल कि हाड़ी दी फसल आ रही है और कुछ इलाकियां च जिस तरह कणक की कटाई हाड़ी की कटाई फसल की होनी आदि नाल नाल कुछ ऐसे इलाके जिन्हां दे विच नरमे की फसल की बिजाई है और कुछ इलाके झोने वाले जिथे पीनी पनीरी झोने की पनीरी बीजी जानी आदि संबंध में इत्थे गिनती घट सकती है। पर इन्हां ने यह गल कही कि असी तुहानू ये भरोसा दिवाउणे आ कि जिहड़ा भी सानू प्रोग्राम दिओगे असी गिनती नहीं घटन देवांगे वध तो वध इत्थे तुहाडे कोल पहुँचांगे। वो भैणां मेरियां इत्थे बैठियां ने वीर भी बैठे हैं। सो मैं एक दो बेनतियां जिहड़ियां ने वह हिंदी विच भी करनियां ने क्योंकि जदों भी मैं मैनू कितों फोन आउंदे ने छत्तीसगढ़ तो आउंदा है या होर किसी सूबे चों एम पी चों खास करके उत्तराखंड ते यूपी चों उतों जो फोन आते हैं तो वह कहते हैं कि तुसी हरियाणे दे मेरे वीर जिहड़े बहुत गिनती विच पिछे बैठे ने पर वह पंडाल च इत्थे घट ने उहदे बारे साडी व्यूंतबंदी जिहड़ी आ उह चल रही है कि उहनां नूं इत्थे किस तरह लिआउणा है उहदे बारे गलबात सारी चल रही है कि वह भी बहुत गिनती विच इस पंडाल च हाजरी भरिया करन। सो उहनां वल्लों हुकम है कि हिंदी च बोलिया जाए। सो मैं कुछ शब्द जिहड़े मिंट ने तुहाडे नाल हिंदी च गल करनी चाहवांगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कल तीन आदमी जो प्रेस रिपोर्टर जीव न्यूज के पकड़े हैं उनको क्यों पकड़ा गया उन्होंने क्या किया क्या कर रहे थे उन लोगों को जब इनको हमारे लोग इनको गोदी मीडिया कहते हैं तो जो हमारे चैनल है जो हमारे बच्चे पंजाब से आए हैं ये लगातार पहले भी जब मीटिंगें होती थी उस वक्त भी आते यहाँ हर मीटिंग में आते रहे और 26 जनवरी से लेकर ये यहाँ पर रुके हुए हैं पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। इनमें लड़कियां भी बहुत हैं लड़के भी हैं बहुत तनदेही से काम कर रहे हैं लेकिन जब गोदी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है तो उस वक्त ये भी कहते हैं कि आप सारे मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हो। हम इनको कहते हैं कि हम आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं गोदी मीडिया वो है जो मोदी की
गोदी में बैठ के उसकी बात करता है उसको मोदी गोदी मीडिया बोलते। उनकी जो करतूत है वो क्या है? जो काल पकड़े गए, कल पकड़े गए, उन्होंने क्या किया? वो क्या करते थे कि हमारे इस एजिटेशन को देश के और विदेश के लोगों में भ्रम फैलाने के लिए उस वक्त की फोटो लेते थे जब शाम के समय पंडाल खाली होता है और सुबह के समय जब पंडाल अभी स्टेज चालू नहीं होती उस वक्त की फोटो लेके उसके बाद उसको कट करके तो वो भेजते हैं। इसी तरह लंगरों की और जो उनकी काली करतूत हमारे सामने कल आई तो उन्होंने लिखती रूप पर जो उनका मुखिया था वो अपने जो छोटे थे उसके उनको बता रहा था कि जब कांड हो जाए तो तुमने इस रास्ते से भागना है। वो रास्ते भी दर्शा रहा था और ये भी बता रहा था कि कांड जब वो पकड़े गए तो हमने उससे पूछा कि ये बताओ कांड का मतलब क्या है और वो कांड का मतलब नहीं बता पाए। आप लोग समझते हैं कि कांड किसको बोलते हैं कि जब कांड हो गया उस वक्त आपने भाग जाना है और वो कांड ऐसा नहीं है कि वहां पर उन्होंने कोई गुब्बारे छोड़ने थे या कोई किसी को फूल माला डालनी थी। कांड का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि यहां पर हिंसा भड़कानी थी, दहशत फैलानी थी, उसके बाद कोई भी किसी किस्म का कांड करके तो भागना था और यहां के लोगों में भगदड़ मचती, उसका मतलब ये। और ये मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को कि केंद्र सरकार जो आपने केंद्र सरकार है जो आपने आज तक मोदी सरकार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो जो काली करतूतें करी है वो सबके सामने है। 2 दिसंबर से लेकर कितने नौजवान लड़के कितनी लड़कियां हमने पकड़ाई और थाना कुंडली में पर्चा भी दर्ज हुआ और उसके बाद जो जो इन्होंने किया 26 जनवरी को जो कांड वापरा जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे साजिश क्या थी? यही थी कि ये लोग खेती कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, हम तो इनको आपस में ऐसा मल के बीज बोएंगे कि आने वाले समय में कभी भी ये मिलके नहीं बैठ पाए। और उन्होंने जो साजिश रची खासकर मैं हरियाणा यूपी राजस्थान पूरे भारत के हिंदू समाज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने केंद्र सरकार की जो साजिश थी उसको समझा और जो वो चाहते थे कि खून की नदियां बहेंगी तो ये लोग अपने आप यहां से भाग जाएंगे, वो उनकी साजिश को नाकाम किया, इसलिए मैं उनको सलूट करता हूं। और आपने देखा होगा कि कार जो हमने 3 लड़के पकड़े उनमें से एक जो पूरा अपने आप को बहुत चलाक होशियार दिखा रहा था, बहुत होशियारी बात कर रहा था, तो फिर हमने उनका मेडिकल कराया। ये एप्लीकेशन भी उनके खिलाफ थाना कुंडली में हमने ये नंबरी दर्ज करवाई है, ये एप्लीकेशन भी मेरी तरफ से थाना कुंडली में दर्ज है।
और उनकी एक सोच थी कि हमारे को पकड़ाया तो है लेकिन हम मेडिकल करवाएंगे, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करवाएंगे। लेकिन उस सोच को भी बेनकाब करने के लिए, उसकी साजिश को सफल होने से रोकने के लिए हमने दरखास्त दी और मेडिकल भी साथ में जाके करवाया। सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में जब वो मेडिकल करवाने के लिए गए तो मेरे साथ जसवीर सिंह जी साथ थे। तो जब डॉक्टर के पास वो गए तो हमारे साथ सब इंस्पेक्टर था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने पूछा क्या भाई तुम्हारे को क्या किस चीज का मेडिकल करवाना चाहते हो? जी हमारे को चोटें लगी है। कहां लगी है? कुछ नहीं बता पाए। फिर कहने लगा ये देखो जी मेरे यहां पर दर्द हो रहा है। तो उसकी ने डॉक्टर ने कहा कि दर्द की कोई वजह होती है, बताओ किस चीज की चोट लगी, क्या मारा आपको? तो मारा तो था ही नहीं। हमारे जो वॉलंटियर जो ऐसे शरारती अंसरों को पकड़ते हैं वो बहुत ही सूझवान है, सयाने हैं। वो हमारे नौजवान बच्चे किसी को थप्पड़ तो दूर की बात उंगली तक नहीं लगाते। तो वो कुछ बता नहीं पाए तो कुछ मेडिकल नहीं, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन जो हम देकर उनका मेडिकल ना करवाते तो पता नहीं कैसी कैसी चोटें लगाकर हमारे ऊपर वो केस करवाते। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि तुम जितनी मर्जी साजिश कर लो, ये जिसने सृष्टि साजी है, ये तरह तरह के जीव जंतु पैदा किए हैं, ये कोई शक्ति है? ये जो आंदोलन है, ये जो एजिटेशन है, इसको कोई संगठन नहीं चला रहा, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, इसको वही शक्ति है जो चला रही है। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। हमारी बहनें, हमारी बेटियां और जो लंगरों में बैठी हैं, कितने कितने रोज से दो दो ढाई ढाई और तीन महीने होने को पूरे होने को जा रहे, और आज तक किसी किस्म की भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। कारण कि इसको अकाल पुरख वही चला रहा है। और मैं आप लोगों को केवल तो केवल यह कहना चाहता हूं कि हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी राखी आप करें। बहुत से मोबाइल चोरी हो रहे हैं, बहुत सारा और भी कुछ सामान चोरी हो रहा है, कोई ट्रैक्टरों के डीजल की पाइप काट रहा है, यह सब शरारत करवा रहे हैं। वो क्यों कटवा रहे हैं कि ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर है उसकी डीजल पाइप कब काटी जाएगी, तो जब किसान को पता चलेगा तो उसको मारपीट करेंगे, कोई ज्यादा चोट लगेगी तो हम इन पर केस बनाएंगे, हफड़ा दफड़ी मचेगी। हमने अपने ट्रैक्टरों की राखी आप करनी है। और ये जो इनकी चुप है, करीब एक महीने से कोई वार्तालाप नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं है। मैं जब 7-8 रोज से इधर पीछे की तरफ जा रहा हूं, हमारा जो हिंदू भाईचारा है, जो हरियाणा के लोग हैं, खासकर नौजवान, वो मेरे को कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यहां पर नुक्कड़ मीटिंग हो। मैं जो मेरे को सुलझा मिले हैं वो हमारी मीटिंग में रखूंगा
और हम चाहते हैं कि पिछले तरफ जो को पीछे बैठे यहाँ जितने भी पंडाल में बैठे हैं ये सारे का सारा पंजाबी भाईचारा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हरियाणा भाईचारा भी बहुत आओ। मेरे भाई बैठे हो, मेरे को दिख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी गिनती हमारे से ज्यादा होनी चाहिए। और स्टेज पर भी आप लोग हमारे से ज्यादा बोले, मैं ये चाहता हूं। ये नौजवान खड़े हो गए हरियाणा के। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा का नौजवान मेरे को मिला है वो बहुत बड़ा संगठन के आगे जो काम कर रहा है वो बहुत बड़ी संख्या में इसकी सारी पहरेदारी करने के लिए और नुक्कड़ मीटिंग करके इस पंडाल की रौनक जो हरियाणा की सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, सोच मल के काम कर रहा है। ये दो तीन दिन में आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। सो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं यही कहूंगा कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा और भी हमारे पर कहर गुजारने की साजिश हो सकती है, लेकिन हमारा एक ही काम है कि हमने सुचेत रहना है, जागते रहना है। जैसे पिछली साज से सभी फेल किया, आगे के लिए ऐसी कोई हरकत करें, कोई करतूत करें तो उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि फिर उसके बाद उनको आपके पैरों में, आपके चरणों में गिड़गिड़ाकर गिरना पड़े। बस मेरा यही कहना है। लास्ट में पंजाब के यूथ को मैं, जैसे हरियाणा का यूथ पूरी तैयारी कर रहा है, इसी तरह पंजाब के यूथ की जो बात जाती है, भाई हम पंजाब के यूथ को भूले नहीं है, ना भूलेंगे। जो क्योंकि जो हमारा जो भार है ये हमारे जो बच्चे हैं उनके कंधों पर आना है, वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, यूपी का हो। नौजवानों भाई आ जाओ, हुन हमला मारो, पता लगे जिस तरह पहला नौजवान इतने गूंजते सी सड़क से उस तरह दोबारा फिर वह नौजवान ट्रैक्टर से चढ़ के गूंजन, तो जड़े प्रेस रिपोर्टर साढ़े तो पुछते ने कि वह नौजवान जड़े ट्रैक्टर से पहला कभी एनू जाते सी कभी एनू जाते सी, भाई वह कारण है कि हम गन्ना भी लग रहा है, होर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वह नौजवान इस करके ने बहुत सारा नौजवान आज साहब जिन्हें खलोते ने वेखो कि नौजवान ही है पंडाल किन्ने नौजवानों की गिनती है, साढ़िया भैनों की किन्नी गिनती है। सो नौजवानों वहीरा करके एक बार हाड़ी कट्टन तो पहला पहला इतने यहोजियाँ वहीरा कत्ता के मीडिया दिखाउण वास्ते जड़ा गोदी मीडिया वह भी तुहाडियां खबर लाउण वास्ते मजबूर हो जाए, इन्हीं बेनती करदा तुहाडा सारिआं दा, खास करके रतवाड़ा साहब तो आईया भैन ते वीरां दा धन्नवाद करदा होया खिमां दा जाचका बला फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।